वी द पीपल ग्रुप में, हम भारत के लोग के ग्रुप में, एक कॉमन सवाल सभी के मन में आता है, जो जुड़ रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं या जो नहीं जुड़ रहे हैं। ये सवाल इसलिए कॉमन आता है क्योंकि अधिकतर लोगों ने बचपन से उसी व्यवस्था को देखा है, उसी सिस्टम को देखा है, इसलिए वही सिस्टम उनके दिमाग में बसा हुआ है, रचा हुआ है। वो सिस्टम है, हमारे सर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठना चाहिए, यानी कि हम एक व्यक्ति के नीचे होने चाहिए, व्यक्ति हमारे सर पर होना चाहिए। उसको कहते हैं कि लीडरशिप कौन है, यानी लीडर कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसका सर्वे सर्वा है। मतलब हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात जो बाहर के लोगों ने डाली है वो ये डाली है कि आपके ऊपर जो होगा वो कोई व्यक्ति होगा, आप उसके नीचे होंगे, उस व्यक्ति के आप गुलाम होंगे, वो व्यक्ति जो पॉलिसी बनाएगा वो आपको माननी होगी। उसको राजा भी कह सकते हैं, या उसको तानाशाह भी कह सकते हैं, या व्यक्तिवाद भी कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि कोई एक तरह से समूह बनाया गया है जो एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा मानता है। दो तरह की नीति भारत में है। एक नीति यह है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, कम लोग होते हैं, अगर उन्हें राज करना हो तो वो एक व्यक्ति को प्रधानता बनाते हैं, यानी कि वो उस व्यक्ति के नीचे काम करते हैं, वो मर जाएंगे, किसी भी गलत बात को हाँ कर देंगे, कुछ भी कह देंगे, मगर उस व्यक्ति का अपोज नहीं करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कितना ही करप्ट, कितना ही भ्रष्ट, कितना ही खराब हो। क्योंकि वो व्यक्ति अगर जब तक है जिसको उन्होंने सर्वे सर्वा बनाया है, ऊपर पहुंचाया है, उसको उन्होंने सभी के दिल में बसाया है, इमेज बनाई है, प्रचार प्रसार उसका किया है, उसको माना है, उसकी बात की है। और दूसरी जो व्यवस्था चलती है, जो बुद्ध के समय थी गण व्यवस्था अधिकतर राज्यों में, वो थी कि जो गण माने होता है लोगों का समूह, यानी कि जो लोगों का समूह है वो जजमेंट करेगा, वही अपने आप को गवर्न करेगा, यानी कि वही अपने आप को शासित करेगा, वही अपने आप को निर्देश देगा, वही अपने आप को डायरेक्शन देगा, वही अपना काम अपने आप करेगा। एक व्यक्ति वो जरूर रखते थे ऊपर जो उनके कहे को मानता था। ये व्यवस्था बुद्ध ने बनाई और ये व्यवस्था भारत के संविधान में बाबा साहब ने भी वहीं से कॉपी की, वहीं से ली। यानी कि जगह जगह से लोग आएंगे और वो लोग एक व्यक्ति को नाम के लिए अपना मुखिया बना देंगे, मगर जो व्यवस्था रहेगी वो उन व्यक्तियों के हाथ में रहेगी। तो जो व्यक्ति का गुलाम बनना पसंद करते हैं वो अक्सर एक प्रश्न जरूर पूछते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे मीटिंग में, चाहे उनके मन में आए, इसे कौन चला रहा है, कौन इसका सर्वे सर्वा है, कौन इसका मालिक है, कौन इसका नेता है। मैं यहाँ इस बात को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर दूँ, और ये वीडियो जो भी ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिवाद में विश्वास करते हैं या जो बार बार पूछते हैं उनको देखनी चाहिए, या हमारे जो वी द पीपल के लोग के ग्रुप हैं उनको उन लोगों तक भेजनी चाहिए। हम अपने आप को जो गवर्न करेंगे, जो शासित करेंगे, यानी जो हम अपने आप पे खुद रूल करेंगे, वो संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे। संविधान सरकार का है मगर उसकी नीतियाँ कोई भी ले सकता है, तो हम हूबहू वही नीतियाँ लेंगे जो संविधान के अंतर्गत बाबा साहब ने दी हैं। यानी वी द पीपल जब बड़ा होगा और जब इसको गवर्न करने की आवश्यकता होगी, अभी तो इसको इकट्ठा करने की आवश्यकता है, तो सब लोग इसको जोड़ने में और जुड़ने में लगे हुए हैं, जब ज़्यादा हो जाएंगे और उसको अपने आप गवर्न करने की, संचालित करने की, इसको चलाने की आवश्यकता होगी, तो एग्जैक्ट वही नियम इसमें लागू होंगे जो भारत के संविधान में बाबा साहब ने ओरिजिनल नियम बनाए हैं। यानी कि व्यक्ति अपने आप को गवर्न करने के लिए अपना व्यक्ति खुद ही चुनेंगे, वो खुद ही आगे आएंगे, और वो अपने चुने हुए व्यक्ति को हटा भी सकते हैं। उनके ऊपर कोई व्यक्ति अगर एकमात्र रहेगा तो वो ठीक कैसे रहेगा, जैसे बाबा साहब ने संविधान में बनाया है, उसके पास पावर्स जो होंगी वो व्यक्तियों द्वारा होंगी, डिसीजन जो लेंगे वो बाकी समूह के लोग लेंगे, यानी जो भी यहाँ नियम बनेगा, समूह बनेगा, उसका जो निर्णय होगा वो लोगों के द्वारा ही होगा। पहली बात, तो इसका मतलब इसको गवर्न करने के लिए सारे लोग गवर्न करेंगे, और ये पॉसिबल है क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, भारत में वो चलता है। वो अलग बात है कि उसको तोड़ मरोड़ के पूरी तरह से लागू करने में लोगों को दिक्कत महसूस होती है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है या जो ये वी द पीपल जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने वेलफेयर के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा किसी को अहित करने का या नुकसान पहुंचाने का कोई हमारा काम नहीं है,
हम किसी और का जिक्र भी नहीं करना चाहते और जिक्र भी नहीं करते। हमारा जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो हमारे बच्चों की और हमारी वेलफेयर की है। हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, लगभग बहुत कम दामों पर या फ्री मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और सबको बराबर समानता का अधिकार मिलना चाहिए और हम सुखी रहने चाहिए। ये हमारा एजेंडा है, जो संविधान का ही एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसका एक एजेंडा है। तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। किसी को हमारा उद्देश्य जानना हो तो वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं संविधान के, उनको पढ़ सकता है, जिसमें हमें मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, जो हमारे बेसिक अधिकार हैं, बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें चाहिए। और अगर कोई ये पूछता है कि हम अपने आप को गवर्न कैसे करेंगे और कौन इसको गवर्न करेगा, तो हम सब इसको गवर्न करेंगे जैसे संविधान करता है। ये दो बातें बिल्कुल सब लोग अपने ध्यान में रखें, माइंड में रखें। इन दो बातों से हटके तीसरी बात इस मामले में नहीं आएगी। किसी को अगर रूल्स और रेगुलेशन पढ़ने हो तो वो संविधान को पढ़ सकता है, उसी के रूल्स और रेगुलेशन इसमें अप्लाई होंगे जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे इस लायक। अभी हम इकट्ठे होने के प्रोसेस में हैं, तो हमारा पहला जो काम है और पहला जो एजेंडा है वो है जोड़ने का और जुड़ने का। जिसको ये बात पसंद आती है वो आ जाए, जिसमें कार्य करने की क्षमता है वो आ जाए, जिसको ये बात पसंद नहीं है और किसी व्यक्ति के नीचे काम करना है तो वो चला जाए जहाँ उसको व्यक्ति पसंद है। अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना तरीका है, कोई रोक टोक है नहीं। धन्यवाद।